गाइस क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो भाई आज है हमारा प्लान थोड़ा बीच पे जाने का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है थोड़ी सी, तो चलना है आज बीच पर करते हैं। वहाँ पर जाकर इंजॉय किया है। अरहान ने ले ली है अपनी फुटबॉल भी खेलेंगे उधर जाकर, और ईरा ने अपना ये सामान ले लिया है खेलने का। तो अब तैयारी पूरी चल रही है वहाँ पर जाने की। इसका क्या करना है? अच्छा, थोड़ा सा रख लिया है सामान खाने का, थोड़े फ्रूट काट लिए हैं, और ये इधर केले ले लिए हैं, और थोड़े से ये चिप्स हैं, और ड्राई फ्रूट रख लिए हैं, और ये पॉपकॉर्न हमारी रेडी हो चुकी है इसके अंदर, और रख लिया है सेफ्टी के लिए पानी। तो बच्चे हैं, इनको भी भूख लगेगी, और हमारा भी टाइम थोड़ा सा वहाँ पर स्पेंड अच्छा हो जाएगा खाते पीते। निकल पड़े हैं अपने बीच की तरफ, और ये रास्ता जाता है पूरा बीच की तरफ। ये पूरा गार्डन है यहाँ से, और आप मौसम देखें कितना अच्छा है, धूप पूरी अच्छी निकली है। तो बीच पे मज़ा भी इसी मौसम में आता है जाने का, नहीं तो फिर वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि जान ले लेती हैं। जान निकालने का मतलब ये था कि यार ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो वहाँ पर रुका नहीं जाता। तो हम घूमते घूमते आ गए हैं इस गार्डन पर, एक जगह जहाँ पर लोग खेल रहे हैं गोल्फ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है छोटा सा, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, और सब मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। खेलना है तुम्हें खेलना है गोल्फ? नहीं, हार्ड तो कुछ नहीं है, देखो सब खेल है ना, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आराम से। कितना प्यारा लग रहा है ना, खेल सकते हो अगर तुम्हें खेलना है तो। और भाई ये देखो कैसे ये बड़े में अपनी जवानी का मजा ले रहे हैं यहाँ पर आके। और भाई इनके बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी किस तरह की जो है लोग देखे हैं, इस तरह की गाड़ियों पे आते हैं, तो ये इनका जो म्यूजिक सिस्टम है ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बहुत प्यारा है। ये आ गया है हमारा बीच का एक झूला जो बीच के पास लगा है। अभी कुछ दिन पहले इसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, लेकिन अभी फिर ये दोबारा से लग गया है। तो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर नुमाइश में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक महीने का, तो यहाँ पर एक एक साल का होता है। तो यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था भी किसी, तो उस टाइम पर ये हट गया था यहाँ से, और अभी फिर ये जो है ना वापस आ गया है, इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर इस पे कोई भी राइड लेना चाहे राइड ले सकता है, राइड ऑलमोस्ट चालू है यहाँ पर। तो घूमते घूमते आ गए हम यहाँ पर, और ये भी एक जगह है यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में, और ये इन्होंने कुछ बना रखा है बियर वियर या कुछ भी खाने पीने का, स्नैक्स लेने की ये शॉप है छोटी छोटी, और घूमने फिरने का पूरा इंतज़ाम है, भीड़ पूरी है, लोग मज़े ले रहे हैं, और हम भी चल रहे हैं अपने सफ़र की ओर। तो ये है वो व्हील, हम इसके आ गए हैं करीब, आप देख सकते हैं कि कितना यूज है, कितना बड़ा है ये। और इसकी टिकट होती है, अब टिकट जो है तकरीबन 15 पाउंड 17 पाउंड की होगी एक राइड के लिए। और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बीच है, और यहाँ पे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, और घूमने की बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। चलो इरा चलते हैं आगे। तो यार ये है इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है मेन पॉइंट इस बीच का, और ये जाता है वहाँ तक, तो हम जाएंगे आगे तक। और ये यहाँ पूरा है बीच, यहाँ पर लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और चलो मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ ये वाला जो है रास्ता, बीच का नज़ारा कैसा है यहाँ पर, सब लोग मज़े में हैं। और भाई मैं इस जगह पर सोच रहा था जाने की, क्योंकि हम लोग क्रिसमस पे गए थे तो यहाँ पर जो था ये फ्री था, लेकिन अभी इन्होंने टिकट कर दिया है तकरीबन 1 पाउंड 65p का, जो तकरीबन 165 रुपये होते हैं। तो हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी, और मेरा कोई इरादा नहीं है अभी इस पर 7-8 पाउंड खर्च करने का। तो हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बीच बहुत बड़ी है, तो हम आगे कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ चलेंगे घूमने, तो फिर चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि बच्चे अपना फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और मैं भी इनके साथ थोड़ा सा ज़रूर इंजॉय करूँगा। और आप देख सकते हैं ये पूरा
सब लोग बैठे हैं यहाँ पर और अपना खेल रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है। और आपको मैं एक चीज इधर दिखाऊँ, ये देखें आप गोरे कितने सुकून के साथ पूरा सेटअप बना के बैठे हैं और पूरा अपना एंजॉय कर रहे हैं आराम से बैठ के, है ना। तो भाई बात ये है कि यहाँ पर अब यूके है, अब यूके की जो ये वाली साइड है, तो ये आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार क्या मज़ा है, क्या एंजॉय है यूके के अंदर, और ये लोग मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यार बेशक मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर काम की सेटिंग है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हाँ वाकई में इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइफ है और वाकई में मज़े हैं यहाँ पर रहने के। लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रगल भी है, तो वो स्ट्रगल को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी इस तरह की एक्टिविटी करना भी ज़रूरी है, जो कि हमें सपोर्ट करती है यहाँ पर और लंबे टाइम रुकने के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे नहीं है कि निगेटिव हैं कि यूके बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो बात वही है कि चीज़ें जब अच्छी लगती हैं, जब हमारी जेब भरी होती है और हम पैसा कमाते हैं और हमारे खर्चे के लिए जो है ना सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो फिर मज़ा आता है घूमने का। अब वो भी अच्छा नहीं कि आप लोग फिल्म के लिए कैसे लगना कैसे करके आपने टिकट के पैसे का इंतज़ाम कर लिया और आप फिल्म देखने गए और थिएटर में जाके इंटरवल हुआ और आपके पास फिर इतने पैसे नहीं कि आप एक समोसा या एक पैसी ख़रीद के पी सकें, तो भाई वो इंजॉयमेंट थोड़ा सा अधूरा रह जाता है, दिल मरा मरा होता है। तो वैसा ही होता है यूके के अंदर आके कि जब अगर काम की सेटिंग नहीं होती तो इस तरह की परेशानियाँ, इस तरह का जो है सोच आ जाती है माइंड में कि यार सब कुछ बेकार है, हम कहाँ गए, कैसे आ गए। तो ये हर एक इंसान के साथ है। But my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't. यहाँ पर धूप निकल रही है और यकीन करना कि भल भाई कल जो इस कदर की ठंड थी कि कल मैंने दुकान पे जो एक छोटा वाला हीटर होता है मैं तो वो लगा के बैठा, क्योंकि मैं घर से चला गया था खाली टी शर्ट और बूट पहन कर। और भाई वहाँ जाकर जो है ना कल पूरे दिन जो है बारिश थी और मौसम काफ़ी ठंडा था, सर्द था। लेकिन आज देखें कि मौसम का क्या हाल है और बहुत ही अच्छा जो है सूरज निकला हुआ है। लेकिन सूरज ऐसा है कि आज भी जो है ना वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत टाइम के बाद या कुछ घंटों के बाद ये चेंज होगा और थोड़ी सी बारिश है, वो शायद ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन कम ही दिखा रखी है। लेकिन यहाँ का मौसम जो है वो ऐसा ही है कि इसका इस मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कब गर्म हो जाए कब ठंड हो जाए। तो आप देखें कि कितना अच्छा मौसम है इस टाइम, और पूरी धूप है और हमने लिया है छोटा सा ब्रेक, क्योंकि फुटबॉल खेल खेल के हम गए थोड़ा सा थक, तो कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर दोबारा से कुछ एक्टिविटी रीस्टार्ट करें। तो भाई जैसे कि हम थक गए हैं थोड़ा सा, तो अब हमने खोला है अपना पिटारा और खाएँगे थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स। तो यार हम लोग जो है अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और अभी इस बीच पे जो है मैंने देखा कि ये वाली जो है ना राइड आ चुकी है, अगर इस राइड को लेना है तो हम ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा था इस राइड को अभी लूँ, लेकिन वो सडनली जो बंदा है इसको खड़ा करके चला गया, शायद थोड़ी बहुत देर में आएगा। तो अगर मौसम थोड़ा अच्छा रहा तो मैं ट्राई करूँगा ये राइड लेने की और दिखाऊँगा आपको। और भाई पूरा मौसम हसीन है, अभी मैंने देखा था कि एक बंदा जो है यहाँ पतंग भी उड़ा रहा था, तो यार उसकी पतंग जो उड़ा रहा था उसको देख के मुझे याद आ गई अपने इंडिया की, क्योंकि पतंगबाजी का मुझे भी बहुत शौक है। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं भी यार कहीं से पतंग लेके आऊँ और पतंग उड़ाऊँ और आपको दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि यार बहुत सारे लोग आते हैं पूरी तैयारी के साथ, और हम लोग तो आए भाई देसी हैं, तो एक चद्दर उठा के आ गए कि इधर बैठेंगे आराम से। लेकिन भाई गोरे लोग इस तरह से नहीं आते, गोरे लोगों का एक अपना ही स्टाइल होता है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे टेंट जो लगे हुए हैं, तो बाकायदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने टेंट लगाया और अपना बैठने का लेटने का पूरा हिसाब करके वो लोग यहाँ पर आए हैं। और ये लोग पूरे अच्छी तरीके से जो है ना इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास ही एक इन्होंने टेंट लगाया है अपना, बड़ा प्यारा सा।
और यहाँ है हमारी बेटी जो कर रही है अपने आप को खराब, रेत के अंदर रेत से खेल रही है और पूरा गंदा कर रखा है इसने अपने आप को। और आप उधर देख सकते हैं कि लोग नहा रहे हैं पानी के अंदर और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और भाई पता नहीं ये लोग कैसे नहा रहे हैं, और मुझे तो लग रही है भाई ठंड। मैंने टोपा भी अपने सर पे रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो भाई लोग कहते हैं कि यूके के अंदर पर्दा नहीं होता, हिजाब नहीं होता, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी देखो खातून हिजाब में है। और इधर देखें आप ये कितने सारे लोग जा रहे हैं जो कि माशाल्लाह इन्होंने हिजाब पहन रखा है और बड़ी अच्छी चीज़ है ये। लेकिन ये मोस्टली यार ये लोग जो बिगड़ते हैं इधर आके वो हमारे यहाँ के एशियन ही होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इन लोग कह सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर आके पर्दा छोड़ देते हैं। और ऑफकोर्स उसमें यार मैं भी शामिल हूँ, चाहे कोई भी हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी को भी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि खाली वही ऐसा करता है, कोई भी कर सकता है। ये आगे किसी पे भी जो है ना इस कंट्री का जो है ना असर आ सकता है, उसमें मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, लेकिन जो लोग सच्चे पक्के ईमान वाले होते हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से जो है ना अपने पर्दे को फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं इधर भी ये लोग हैं बुरे लोग, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे नहा रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उठ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग हैं हम लोग इस तरह से नहीं रहते। तो डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो और कितने जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपनी जो है, आप चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, जो भी हो आप, ये सब डिपेंड करता है कि आप लोग पर कि आप कितने मजबूती के साथ अपने कदम को पकड़े हुए हैं इस बीच पे। और इस बीच पे देखिए मैंने ये ट्रेन जो कि है टूरिस्ट के लिए, और ये पूरा एक आपको चक्कर कटाएगी इस पूरे बीच का, तो ये राइड आप ले सकते हैं अगर इधर आए। और देखने में आप देख सकते हैं, चलना नहीं क्या घर भाई? बच्चे घर चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे हो गए हैं 2 से 3 घंटे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें चलना चाहिए घर, क्योंकि दोपहर के खाने का हो गया है टाइम। तो इंशाल्लाह घर जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। तो ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। अगर पसंद आई हो तो भाई मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, स्टे हेल्दी। Bye-bye.